ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू होली स्पेशल फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करेंगे जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों को जो है बस वीडियो को ध्यान से देखना एंड कंप्लीट वॉच करना, आपको सब कुछ जो है इजीली समझ आ जाएगा। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज के समय वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करें। सो गाइस आपको सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है अपने मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ से मॉडल को सिंपली ऐड कर लेते हैं। सो गाइस मॉडल जो है हमने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिन भाई को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो को जाकर देख लेना। फिर गाइस आपको मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है एंड इसको कर देना पे फुल स्क्रीन। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन। अब उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको कुछ एक कलर्स के पीएनजी मिल जाएंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले को। एंड इसको लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे पहले क्या करना है गाइस, देखिए पहले तो आपको जाना ब्लेंडिंग मोड में। आप इसमें से गाइस देखिए ब्लेंडिंग मोड एक एक करके चेक कर लेना, आपको जोन सा बेटर लगे वो रख लेना। तो गाइस यहाँ पे जो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, डार्कनेस डार्केन एंड मल्टीप्लाई दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है एंड उसके बाद जो है साइज को जिस तरह रख लेना है, एंड उसके बाद जो आपको अपने ड्रेस के पास जो है कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जो है अगर आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम भी रख सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, फुल भी रखोगे तो कोई ज़्यादा इतना बेकार लग भी नहीं रहा है, तो आप इसको कम भी रख सकते हो ज़्यादा भी रख सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप जो है आपको सिंपली फोटो को यहाँ पर कर लेना है डन, ठीक है। फिर उसके बाद जाना आपको दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना है आपको ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला कलर आपको इसलिए यूज़ करना मतलब कि गाइस ये जो मतलब कलर है आपका जो साइड से उड़ के आ रहा है आपके ऊपर एंड जो आप हाथ लगा के रोक रहे हो कलर को, ठीक है, जिसको आपको ये दिखाना है। तो आपको इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है, मतलब कि आपको ज़्यादातर कलर जितने भी हैं इसमें सबका मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है। तो इसको आपको जो कुछ इस टाइप से आपको साइड में रखना है, ठीक है। आप चाहो तो नीचे की साइड में भी रख सकते हो, बट गाइस नीचे की साइड में मत रखना, इतना खास नहीं लग रहा है, आप इस साइड में ऐसे रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे बेटर है। अब इतना कर देने के बाद आपको गाइस फिर क्या करना है, अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, एंड उसके बाद जो आपको सिंपली यहाँ से आप डन कर सकते हो, ठीक है, और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब इसको हम डन करते हैं। अब गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एंड गाइस यहाँ से आपको एक कलर का एक और पीएनजी ऐड करना है ये वाला, सो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इसको ऐड करने के बाद जो है गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको फुल स्क्रीन करना है, इसको ऑटोमेटिकली जो है मतलब आपकी फोटो में ऐड हो जाएगा, तो आपको फुल स्क्रीन कर देना इस टाइप से। एंड इतना हो जाने के बाद जो आपको फोटो कर देना है डन। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको लेना है ये वाला कलर, ठीक है, इसको लेना है एंड इसको करना ऐड। एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो फोटो को जूम करना है एंड इस कलर को लेना है। एंड गाइस देखिए इसमें दो कलर हैं, तो एक जो है आपके चीक्स के पास आनी चाहिए एंड जो है आपके एक नेक पे आना चाहिए, ठीक है, कलर ये वाला। तो आपको कुछ इस टाइप से ऐड करना है। अगर आप ऐसा सेम पोज करते हो तो आप इस टाइप से लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपके दोनों चीज़ अगर नहीं आए तो आप इसको जो है कट कर करके भी एक एक करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी चाहो वैसे लगा लेना। देन आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, ठीक है। अब ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये होली का टेक्स्ट पीएनजी मिलेगा, आपको उसको ऐड करना है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है मतलब कि टैग्स कोई ज़्यादा यूज़ करता भी नहीं है, बट गाइस आपको मतलब कि फोटो में अगर एक अच्छा लुक चाहिए तो आप इसको रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब गाइस इसमें आप ब्लेंडिंग मोड जो मल्टीप्लाई भी रख सकते हो, बट गाइस यहाँ पे ना नॉर्मल में थोड़ा बेटर दिख रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल ही रखते हैं हम यहाँ पे। मल्टीप्लाई भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिख रहा है मल्टीप्लाई में भी। तो अभी जो इसमें नीचे की साइड में जो चीज़ लिख रखी है ना उसको आपको यहाँ पे क्रॉप में जाकर क्रॉप कर लेना है, इसको पता कर देना आपको डन, ठीक है। तो इसमें और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं आपको। अब यहाँ पे गाइस इसको कर लेना है डन। अब गाइस जितना हो जाने के बाद जो है आपको अपने यहाँ पे फोटो को सेव करना है, ठीक है, तो उसको सेव कर लेते हैं हम। इसको लेके चलते हैं हम ऐसे लाइट रूम ऐप में, ठीक है, तो लाइट रूम ऐप में क्योंकि अभी रिटच के बिना तो बिल्कुल अधूरी है फोटो, तो अब इसको हम लेके चलते हैं। सो यहाँ से हमारी फोटो सेव हो चुकी है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं हाई क्वालिटी में, एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ से लाइट रूम ऐप में डायरेक्ट। सो इस लाइट रूम ऐप में हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो अब आपको जाना है यहाँ से इस लाइट वाले ऑप्शन में। देन गाइस आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करना है, शेडो जो है इसको इंक्रीज़ करना है, एंड जो गाइस वाइट है इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ करना है। फिर गाइस आपको जाना है ऐसे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है फोटो का, जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम करना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस थोड़ा प्लस करना है। फिर आपको जाना है ऐसे गाइस रेड कलर में, इसका ह्यू थोड़ा माइनस करना है, सैचुरेशन थोड़ा प्लस करना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जाना है ग्रीन कलर में, आपको जो इसका ह्यू है यहाँ पे प्लस करना है, जो ग्रीन सैचुरेशन है इसको भी प्लस कर देना है। फिर जाना आपको यहाँ से ब्लू कलर येलो कलर में आपको उसका सैचुरेशन एंड ह्यू बढ़ा देना है। फिर जाना आपको यहाँ पे ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लू कलर में जाने के बाद आपको उसका ह्यू माइनस करना है एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। देन आपको सिंपली कर देना है डन, एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ से
नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्लियरिटी को इंक्रीज करना है, एंड जिसमें विगनेट तो आप चाहो तो हल्का सा डाल लेना, ठीक है, वैसे विगनेट नहीं भी डालोगे तो चलेगा। देन आपको ग्रेन अमाउंट बढ़ाना है, एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, फिर आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट डायरेक्शन आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिला आपको कलर नोट डायरेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो होली की फोटो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।